Back. पिछले एपिसोड में तुम सबने देखा था कि हमने एक्सटेंड करा था अपने फूड फार्म को और जिससे हमें ज्यादा वीट वगैरह मिल सकती है मतलब कि हमारा प्रोडक्शन लेवल अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और अब हमें ज्यादा अमाउंट में ब्रेड वगैरह यानी कि जो हमारा सारा फूड वगैरह का आइटम है वो ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है और अब आगे End. फ्लैश बैक गैस हुई और आज हमारा थर्डे स्टडी अपलोड का डे ट्वेंटी और साथ ही मैं वापिस आ गया हूँ पूरे तीन हफ्ते बाद अपने माइंड सर्वाइवल वर्ल्ड में जिसका नाम है क्रोनेमिक्स एम्पायर और यार देखो लास्ट टाइम हमने अपना जो फार्म था वो तैयार तो कर लिया था तो देखो यार बात ये है कि अपने को थोड़ा सा और सामान वगैरह भी चाहिए क्योंकि अपने पास कुछ भी ढंग का सामान नहीं है और अपने को यहाँ से जाना है थोड़ा सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं क्योंकि आयरन का तो ऐसा है कि बिल्कुल भी हमारे पास आयरन तो है ही नहीं मैंने अपना सामान रख लिया थोड़ा बहुत तो आर्मर लगा लेता हूँ मैं पहले और देखो आर्मर देख रहे हो कितना कलरफुल आर्मर है हमारे पास मतलब एक पर्टिकुलर चीज का तो आर्मर है ही नहीं तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपना एक अच्छा खासा आयरन इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद अपना आर्मर जो है उसे प्रॉपर आयरन का बना लेता हूँ और उसके बाद उसमें मैं अनेंसमेंट लगाऊंगा मैं तो यार देखो जब कुछ दिनों पहले मैंने करीबन चार पाँच हफ्ते पहले जब मैंने माइनक्राफ्ट खेला था तो मैंने कुछ लोकेशन देख ली थी जहाँ पर मेरे को अच्छे खासे अमाउंट में कोल और आयरन मिल सकता है बट उस टाइम हमारी इन्वेंट्री फुल थी तो उस टाइम में उसे लेकर नहीं आ पाया था बट अपने को वहाँ से आयरन और कोल निकाल देखो आयरन थोड़ा बहुत मिल जाएगा अपने को बट कोल इतना है कि तुमसे से कम हमारा एक स्टैक तो पूरा हो ही जाएगा बट बहुत दूर जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि बोट ले लेता हूँ साथ ही रात भी होने वाली है तो अपना भी क्या करते हैं फ़िशरमैन हाउस में जाकर सो जाते हैं हम इसे बोट लेके निकल लेंगे फिर यहाँ से और साथ ही मैंने यहाँ पे पम्पकिन भी लगा रखा है तो पम्पकिन भी हमारे ग्रो हो रहे हैं जब सारे आ जाएंगे तो मैं इकट्ठा है ना काट दूंगा एक साथ और फिर यहाँ पे ऑल लगा दो लाइन से ही और यार पता बात क्या है अभी तो हम जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह इकट्ठा करने क्योंकि अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट कराया माइनक्राफ्ट को बिल्कुल अच्छा खासा ब्रेक के बाद तो पहले मैं सो जाता हूँ यहाँ पर तो देखो सुबह हो गई है अपने क्या करना है सबसे पहले मैं से निकलता हूं और मेरे को जाकर लेनी है बोट और बोट से हम निकलने वाले हैं यहाँ से तो नीचे चलते हैं पहले और मैं पता क्या कह रहा था ओके तो नीचे आ गई हूँ मैं मैं बोट को ले लेता हूँ और अब चलते हैं अपने आयरन ढूंढने के सफर पर और पता है यार मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे मैं आया हूँ माइन क्राफ्ट मतलब तीन हफ्ते बाद तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सारा सामान सेटअप करने में क्योंकि मेरे को अच्छा खासा आयरन चाहिए मेरे को और रिसोर्स भी चाहिए ताकि मैं आर्मर वगैरह और टूल्स वगैरह बना सकूँ और फिर मेरे को एनउंसमेंट भी करनी है तो मेरे को लैपिस लजोली वगैरह भी चाहिए साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद और फिर उसके बाद हम बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट करें मतलब बिल्ड वगैरह बनाना सब कुछ जो जो मैं सोच रहा हूँ बनाने की मैंने अच्छी खासी प्लेस तैयार कर रखी हम्बा माइनक्राफ्ट के लिए भी बट बात यह है कि अभी जो हमारी मेन चीज़ है वो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे और साथ ही मेरे को अपने विलेज में थोड़ी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करनी है ताकि मेरे विलेजर्स वग़ैरह जो है वो अच्छे खासे विलेजर्स हो जाएँ पर बहुत सारे तो अभी तो फ़िलहाल क्या करते हैं उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे मेरे को आयरन और कोल मिलने वाला है और वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पे थोड़ा सा माइनिंग वगैरह करते हैं थोड़ा सामान वगैरह निकाल लेता हूँ मैं और फिर उन सामान को लेकर वापस कराऊँगा तो पहले चल के देख लेते हैं क्योंकि बहुत दूर जाना है तो ट्रैवल करते हैं और पहुँच जाते हैं वही लोकेशन पर और नाइट तुम्हें तो देखो पहुंच तो गया हूँ वहाँ पर और यहाँ पर तुम्हें देखो ये यह रहा यहाँ पर आयरन पड़ा हुआ है कम ही है मतलब आज तीन ब्लॉक के लगभग है तो वो निकाल लेता हूँ पहले और मेरे पास दो पिकैक्स हैं यहाँ पे गोल्ड की और डायमंड की तो गोल्ड की तो गोल्ड के डायमंड से कुछ नहीं मिलने वाला मतलब पिकैक्स से डायमंड वाली से तो देखो यार मिल ही जाएगा क्योंकि डायमंड तो सबसे मतलब हाई लेवल का टूल है इसमें और रेड मेरे को दो ब्लॉक मिल गए और साथ ही नीचे देख रहे हो तुम कितना सारा कोल है यहाँ पर और यहाँ ऊपर भी है तो मैं कोल निकाल लेता हूँ यहाँ से पहले फटाफट और फिर उसके बाद मेरे को दो तीन जगह और पता है यहाँ पे मेरे को कोल और आयरन मिल जाएगा फिर वहाँ चलते हैं और ये ओके तो यहाँ नीचे भी है और कोल तो नीचे वाले को भी निकाल लेता हूँ और यहाँ पता बात क्या है कोल तो ऐसा है कि जितना होगा उतना कम है और मेरे को यहाँ पे थोड़े से मॉब्स या फिर एनिमल्स वगैरह की आवाज़ें भी आ रही हैं ओके स्केलेटन की आवाज़ आई है मेरे को यहाँ ऐसा टाइम ना तो निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी मॉब से बैठ लूँगा लेकिन मेरे को स्केलेटन से नहीं बैठना बाकी कोई भी चलेगा क्योंकि जॉम्बी वगैरह तो मर जाएंगे ईज़िली बट स्केलेटन को मारना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं चलते चलते भी हिट मार देता है यार कभी कभी तो और लट तो यहाँ का जितना भी था वो सारा सामान मैंने यहाँ से निकाल लिया है अब जो अगली लोकेशन है वहाँ चलते हैं फिर वहाँ से निकाल लेता थोड़ा सा ओके थोड़ा आयरन यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से भी हम निकाल लेता हूँ मैं और आई थिंक दो ब्लॉक है नहीं और भी है ओके यहाँ पे चार ब्लॉक और लगे हुए हैं अभी तो ये भी निकाल लेता हूँ मैं और मेरे को मॉब्स की आवाज़ फिर आ रही है तो फटाफट इनको यहाँ से ले लिया मैंने और यहाँ से निकल लेता हूँ मैं और पानी से ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को तो ऊपर चलता हूँ पहले यहाँ से तो अपने को नो आयरन तो मिल चुका है बट अभी और आयरन का तो मेरे को पता नहीं कहां पर होगा लेकिन हाँ मेरे को अच्छा खासा कोल पता है कहाँ मिल सकता है को तेरा कोल हो रहा है पास और इस जगह पर यहां पर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कोल पड़ा हुआ है और तुम्हें तो पता बात क्या है अपनी डायमंड की मैं गोल्ड की में मेंल को सारे को यहाँ से निकाल सकता हूं तो मैं अपनी यहाँ पे डायमंड की यूज अगर गोल्ड की पिकस यूज करूँगी वो फॉर्चून अनब्रेकेबल और एफिशिएंसी लगी हुई है इसमें तो अच्छे खासे अमाउंट मेरे को यहाँ से कोल वगैरह मिल जाएगा क्योंकि फॉर्चून लगा हुआ है तो समझ जाओ यार एक का डबल वही वाली स्कीम है यहाँ पे तो फटाफट से सारा कोल इकट्ठा कर लेता हूँ मैं यहाँ से और उसके बाद चलते हैं और सामान ढूंढना है मेरे को अभी क्योंकि और अगर नहीं मिला तो वापस चल लेंगे अपने बेस पर तो यहाँ पे अच्छा खासा कोल है भाई मेरे को लगता है कि यहाँ से स्टैक तो पूरा हो ही जाएगा मैंने जैसे कहा था स्टैक किस स्टैक कोल उठाने वाला हूँ मैं आज और यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ ताकि लाइट आ जाए थोड़ी सी क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है और आई थिंक रात भी होने वाली होगी तो फटाफट से यहाँ से कोल निकाल लेता हूँ मैं सारा देखो यार कोल वगैरह तो मैंने वहाँ से निकाल लिया सारा बट रास्ते में घर जाते हैं मेरे को रवीन मिल गई थी मैं सोच जाती घर चला जाता हूँ वापसी क्योंकि मेरे को लगा था और कुछ सामान नहीं मिला बट रास्ते में रवीन मिल गई भाई पूरी की पूरी और नीचे थोड़ा सा आयरन पड़ा हुआ है और मैं चाहता नहीं कि मैं लालच करूँ और जाऊँ लेने बट अब मिल रहा है तो यार ले लेते हैं ना अब सोच भी रहा हूँ कि ना जाऊँ या चला जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को बच क्या भाई मैं अभी गिरते गिरते बचाऊँ बिल्कुल बट अब नीचे आ गया हूँ तो ले लेते हैं फिर और क्या मुझे जाना है और नीचे बस बिल्कुल आराम से भाई नीचे लुक खाइए यहाँ से और मैं यहाँ से गिर गया तो समझ लो खाता मैं और ये देखो बिल्कुल एज पर रखा हुआ तो यहाँ से इसको आराम से निकालना पड़ेगा मेरे को रुक जाओ पहले सेटलमेंट बना लेता हम ना कहाँ पर रुकना है ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है यहाँ से इसको निकाल दो ऑलरेडेड मेरे को एक आयरन तो यहाँ से मिल गया बाकी थोड़ा सा आयरन नीचे है तो नीचे जाना पड़ेगा मेरे को और मॉब से मेरे को बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा इतना ही नीचे कि कोई ना कोई मॉब तो नीचे कन्फर्म होने वाला है सब चलेंगे इसके नहीं होना चाहिए देखो तो मैं दिख रहा है वहाँ से आयरन बस वहीं जाना है अपने को आयरन निकालने के लिए यहाँ से नीचे चलता हूँ मैं आराम से जाना है बिल्कुल ओके okay, माप्स की आवाज आ रही है रात हो गई है तो पहले क्या करता हूँ बेड लगा देता हूँ यहीं पे और यहीं से हो जाता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग तो यार देखो सुबह हो गई है और सबसे पहले अब क्या करते हैं मैं अपने बेड यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि तोड़ के फ़ायदा नहीं हो मरे भी क्या तो यहीं स्पॉन हो जाऊंगा और अब नीचे चलते हैं और ये देखो मेरे को पता था जॉम्बीज वगैरह तो होंगे क्योंकि अंधेरी जगह है यार होना कनफर्म है उनका तो मैं क्या करता हूँ शॉर्ट निकाल लेता हूँ पहले मैं यहाँ से और फटाफट इन्हें पलटाता हूँ और नीचे जाके वो रहा बिल्कुल उसके पीछे ही आयरन है तो वो निकालना है अपने को और यहाँ पे और जॉम्बीज वगैरह भी आ रहे हैं तो इनको भी पलटाना पड़ेगा और जाके आयरन वगैरह भी निकालना तो इसको लगी हिट और मतलब इन्हें मारना ही है पर बेसिकली सिंपल तो ये लगी और अब ये ऊपर आ जाए और ये लगी है, एक तो गया और इस वाले को और पलटा देता हूँ बस इसके लग जाए ना ओके आई थिंक ये एक हिट का और रह गया है बस उसको मारने के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ और मेरे को लग गई यार मेरे को उसको राउंड ओके निमट गया ये भी अब फटाफट यहाँ नीचल ए एक्सपी तो मेरे को मिली है साथ इसके रिटर्न भी अब आई यहाँ पर और यहाँ पे तीन तीन ओके क्रीपर फटा मेरे को डैमेज तो पड़ी नहीं बट हाँ जॉम्बीज आ गए हैं चारों तरफ से और जॉम हिट मार रहे हैं मेरे को भाई क्या करूँ यार मैं मेरे को से बचना पड़ेगा और जॉम्बीज को पलटाना पड़ेगा फटाफट तो एक गया ये अब एक और गया और एक और ओके भाई लास्ट वाला ओके यहाँ पे जॉम्बी सारे ख़त्म हो गए अपने पास अच्छे खासे हैं यहाँ पे एक्सपी हो गए लेकिन ये स्केलेटन लगातार मार रहा है मेरे को पता भी नहीं से मार रहा है उसे भी देखना पड़ेगा बट यहाँ पे मेरे को आयरन भी लेना है तो आयरन निकाल लेता हूँ मैं अरे भाई रुक तो जा यार मार ही जा रहा है मतलब सबर ही नहीं कर रहा भाई यार इतना फोन मारता है बिल्कुल ही हद कर दी इसने तो और तो देखो दिख रहा तुम्हें तो मैं वो खड़ा हुआ भाई भाई यार क्या करूं मैं इस तरह मारेगा तो कैसे जाऊँगा मैं आगे मतलब मुझे और काम भी करना है तो क्या करता हूँ पहले एक डर्ट की दीवार खड़ी कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं सारा का सारा डर्ट लगा दूंगा दूँगा दीवार खड़ी कर दूँगा उसके पीछे से मैं सारा का सारा अपना आयरन निकाल लूँगा और फिर यहाँ से निकल रहा हूँ मैं बस क्योंकि ज़्यादा लालच करूँगा तो मर ना जाऊँ क्योंकि ऐसा हमेशा बहुत बार हुआ है मैं जब भी मैंने लालच करा है मैं मरा हूँ तो यहाँ पर अभी लगाता हूँ मैं सैंड का ब्लॉक और ये देखो ये ऊपर ही आ गया भाई बिल्कुल मुँह अब इसको तो पलटा ही देते हैं पहले तो इसको यहाँ से मारा और अभी आगे को आए तो मैं से हिट मारूं मेरे को यहाँ से डायमंड से पिकसअप अपने निकाल दो आयरन में ओके एक निकल गया और रुक जाओ अभी एक और निकल गया ये आ गया मुँह पे स्केलेटन फिर से इसे मारता हूँ मैं और अभी एक हिट और पड़ी है आई थिंक ये एक हिट का और रह गया है तो वही मारता हूँ फटाफट भाई ये तो मार ही जा रहा है अभी भी नहीं मरा यार एक और बस लास्ट ओके okay, ये ख़त्म हुआ है यहाँ से अब मेरे को क्या करना है फटाफट यहाँ से अपना सामान वगैरह इकट्ठा करता हूँ जो जो मेरा यहाँ पे छूटा है मतलब गिरा है जो जो मैंने निकाला है यहाँ से और एक और इसके रिटर्न आ गया भाई मेरे को इससे पहले यहाँ यहाँ से निकलते हैं और बाकी सामान देखा जाएगा कोल वगैरह जो है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसे लूँ या ना लूँ क्योंकि मेरे पास स्टैक का स्टैक कोल हो रखा है और अभी मैं यहाँ पर रुका तो ये भी चला जाएगा तो इसको अच्छा है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर आज चलना है हैं बस यहाँ से अब नहीं रुक रहा मैं यहाँ पर तो फटाफट यहाँ से निकल लो और चलता है वापस ऊपर यहाँ से ओके तो यार देखो वहाँ से तो मैं निकल कर आ गया और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब और कुछ जगह वेस्ट ना करके अपने पास पंद्रह आयरन हो गया है और स्टैक के लगभग कोल हो गया है तो घर चलते हैं मैं डालता हूँ बोट पानी के अंदर चलो यार वापस चलते हैं घर और मिल जाए तुमसे बिल्कुल घर जाकर और रेट तो देखो मैं लगभग घर पहुँच ही गया हूँ मेरा फिशरमैन हट मेरे को दिख ही रही है हाँ से तो फटाफट वहाँ जाके अपनी बोट को पार्क कर देता हूँ मैं वही लगा दूंगा और कहाँ लगाऊंगा नहीं तो मैं इसको बोट लगा के हम चलेंगे अपने घर में जो जो मैं सामान लेकर आया हूँ सबसे पहले वो सामान सारा रख देता हूँ तो यहाँ बोट लगानी है मेरे को तो ये बोट मैंने लगा दी है बोट से उतरते हैं और राइट अब ऊपर चलना है और देखो जो जो मैं सामान लाया हूँ पहले मैं वो रख दूंगा बिकॉज मैं घर तो आ गया हूँ बट अब भी रिस्क क्या कि मैं मर ना जाऊँ पहले जाकर मैं रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करते हैं फिर जो सामान लेकर आया हूँ वो सारा लगा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हम अभी और क्या काम कर सकते हैं अपने बेस में तो देखो भाई मैंने सामान तो सारा रख दिया है बस अब बात ये है कि मेरे पास जो मेन बेसिक टूल्स है हमारे वो ले लिया मैंने और अब मैं अब तक तो क्या कर रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टेयर माइनिंग क्योंकि देखो यार स्ट्रिप माइनिंग बढ़िया है डायरेक्ट माइनिंग भी बढ़िया है बट उससे सबसे बेस्ट है स्टेयर माइनिंग क्योंकि इससे क्या है तुम नीचे नहीं गिरोगे अगर तुम्हारे नीचे तुम डायरेक्ट नीचे खोदोगे तो तुम्हें लावा वगैरह मिल सकता है तो तुम वहाँ पर गिर सकते हो स्ट्रिप माइनिंग का ये सीन है कि बहुत ज़्यादा लंबे माइनिंग करनी पड़ती है और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें अच्छा खासा सामान मिल जाएगा बट बहुत कम चांसेस होते हैं और मैं तो वैसे ही पानी के पास हूँ तो मैं स्टेयर माइनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में करता रहूँगा और वहाँ से पानी वगैरह आ गया तो फिर मैं वहीं पर मर भी सकता हूँ यार तो इस अच्छा है मैं स्टेयर माइनिंग करूँ ऊपर से नीचे की तरफ़ चलते हैं और फटाफट देखते हैं मतलब मैं बना रहा हूँ धीरे धैसे धीरे धीरे करके रास्ता पूरा तो रास्ता ही बन जाएगा अपना और फिर मैं बाद में इसमें स्टेयर्स लगा दूंगा ताकि पूरी की पूरी हमारी एक टनल टाइप बन सके और मेरे को अच्छा खासा रिसोर्स वगैरह जो है वो हमें कलेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ से तो फटाफट से करते हैं हमें स्टार्ट और अंदर तक की पूरी की पूरी जो हमारी सीढ़ी है वो लगानी शुरू करता हूँ ओके okay, तो आई थिंक मैं चाहिए डेप्थ में आ गया हूँ भाई मेरे को यहाँ पे आयरन मिल जाए यहाँ पर और पता बात क्या है मेरे को अनाउंसमेंट बेसिकली इसलिए चाहिए ताकि मेरे को फॉर्चून वगैरह मिल सके और मैं अपनी जो पिक्स है डायमंड वाली उस पर लगा सकूँ क्योंकि यार देखो जो अभी आयरन मेरे को एक एक मिल रहा है वो बाद में फिर फॉर्चून लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा मोटे मिल सकता है मेरे को तो वो लग जाए तो अच्छी बात है बाकी यहाँ पर कोल भी है मैंने कहा था ना स्टेयर माइनिंग जो है वो ज्यादातर इफेक्टिव होती है यहाँ पे अच्छा खासा कोल नहीं मिल गया तो कोल वगैरह भी से उठा लेता हूँ सारा सारा okay, तो मैंने कोल भी निकाल लिया साथ ही यहाँ रात भी हो गई है बारिश भी आ रही है साथ में तो घर चलते हैं फटाफट जो जो मैं सामान निकाला है मैंने वो सारा रख देता हूँ आयरन को लगा दूंगा फर्नेस के अंदर और फिर सो जाते हैं यार नींद भी आ रही है अब तो तो आ गया हूँ मैं घर पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जितना भी यहाँ पे आयरन है यहाँ पे ऑयल लगा देता हूँ थोड़ा सा मैं और जो मेरे को बन गया है वो ले लेता हूँ बाकी सारा सामान सेट कर देता हूँ मैं चेस्ट के अंदर और फिर सो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ओके तो यार देखो सुबह हो गई है और मैं हूँ अपने घर के बाहर वो भी अपने डॉगी के साथ जिसका नाम है ओगी क्योंकि डॉगी का नाम ओगी रखा है मैंने और इसके साथ अब देखो यार मैं इसको घुमा रहा हूँ थोड़ा बाहर अभी तो बट ये पता बात क्या है बात ये है कि देखो मैंने जितना मेरे को रिसोर्स वगैरह मिला वो मैंने इकट्ठा कर लिया माइनिंग के लिए अपने अच्छी जगह तैयार करनी शुरू कर दिया बनानी और अब मैं इसमें और नीचे जाऊंगा माइन करता हुआ तो मेरे को सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा सामान मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं लेकिन हाँ हम ट्राई करेंगे माइनिंग करना वहीं पर ही और मैं कहीं दूर नहीं जा रहा माइनिंग वगैरह करने मैं यहीं पर रहकर ही अच्छा खासा रिसोर्स कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा और होपफुली क्या पता फ्यूचर में मिल भी जाए अच्छा खासा सामान अपने को बाकी यार देखो आज के अपिसोड के लिए तो बस इतना ही नेक्स्ट अपिसोड में करेंगे कि हम माइनिंग में थोड़ा कर लें और साथ ही मैं बिल्ड करने की कोशिश करूंगा एक लाइब्रेरियन हॉल को ताकि मेरे को अच्छी खासी तो तुम्हें पता ही तो, तो मैं क्या नया अपिडो बता लाइक कर सब्सक्राइब कर तो फुन फुन साथ ही एपिसोड हो तो लगा कौन कौन से नए नए देना चाहते हो साथ ही इंस्टा ट्विटर तुमसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग